ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने बुधवार को लोकसभा में राम मंदिर ट्रस्ट के गठन का ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार ने अयोध्या में मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन के आवंटन पर मोहर लगा दी है। इन दोनों फैसलों का बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने स्वागत किया है। कल्याण सिंह ने कहा है कि मेरी ये इच्छा रही कि मेरे जीवन काल में राम मंदिर बन जाए, वो अब पूरी हो जाएगी। कल्याण सिंह ने राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि केवल दलित ही नहीं, पिछड़े ज्यादा होते हैं राम भक्त, ट्रस्ट में उन्हें भी जगह मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि अपने ट्वीट में गृहमंत्री अमित शाह ने ट्रस्ट के एक दलित को भी जगह देने की बात कही। कल्याण सिंह ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान राम मंदिर आंदोलन को याद किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के लिए वो एक दिन के लिए जेल भी गए और 2000 रुपये जुर्माना भी दिया। कल्याण सिंह ने कहा कि मेरे ऊपर सीबीआई अदालत में आपराधिक साजिश का मुकदमा चल रहा है, अगर सिद्ध हो गया तो सजा हो जाएगी, नहीं हुआ तो बरी हो जाऊंगा। वहीं ट्रस्ट से जुड़े नामों की घोषणा होने के बाद राम जन्मभूमि न्यास सदस्य रामविलास वेदांती ने कहा कि घोषित नामों में हमारा नाम नहीं है, इसका मुझे कोई मलाल नहीं है, लेकिन बातों ही बातों में वेदांती का दर्द छलका और उन्होंने कहा कि अगर मुझे मंदिर निर्माण की नींव में समाहित कर हमारे ऊपर मंदिर का निर्माण किया जाए तो शायद मुझे ज़्यादा खुशी होगी। मेरा नाम दर्ज हो या ना हो, इसके लिए हमको किसी प्रकार का कोई अफसोस नहीं, दुख नहीं है। हमको तो प्रसन्नता है कि ट्रस्ट की घोषणा हो गई। हमको प्रसन्नता है कि हमारे जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद जी उस ट्रस्ट में लिए गए। हमको प्रसन्नता है कि हमारे स्वामी परमानंद जी महाराज को उस ट्रस्ट में रखा गया। हमको प्रसन्नता है कि के पराशरन को इस ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। ये मुझे प्रसन्नता है और हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर संत लोग इसका समर्थन करें। अयोध्या के संतों ने समर्थन किया है, अयोध्या के महात्माओं ने समर्थन किया है, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने समर्थन किया है। मैं भी समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं इस ट्रस्ट में जिन लोगों ने बलिदान किया है, माननीय अशोक सिंघल जी, महंत वेदनाथ जी, स्वामी परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी शांतानंद जी महाराज, उडुपी के मध्वाचार्य स्वामी विश्वेश तीर्थ जी महाराज, ऐसे लोगों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था और उनकी कृपा से ही सुप्रीम कोर्ट में निर्णय आया है। ऐसे लोगों को, जिन लोगों को नाम नहीं दिया गया है, ये कोई आवश्यक नहीं था कि सबका नाम उसमें आ जाए। हम लोग नींव के पत्थर हैं, दिखाई भले नहीं देंगे लेकिन काम हम करेंगे, मजबूत दीवार बनाएंगे। हमारे ऊपर दीवार मजबूत बनेगी और दीवार को दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं पाएगा। और मैं चाहता हूं ये मंदिर ऐसा बने जो विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर हो, जो इस्लामाबाद से दिखाई दे, कराची से दिखाई दे, लाहौर से दिखाई दे, श्रीनगर से दिखाई दे, लंका से दिखाई दे, काठमांडू से दिखाई दे, कलकत्ता से दिखाई दे, दिल्ली से दिखाई दे, ऐसा मंदिर हम चाहते हैं। और वो मंदिर बने और उस मंदिर की यदि नींव का पत्थर हमको सरकार चाहे तो हमको राम जन्मभूमि मंदिर के नींव के अंदर लगा दे, मेरी लाश को लगा दे, मेरे शरीर को लगा दे, हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण होना चाहिए हमारी।